नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल कुंडली दर्शन के एक और नए रोचक विषय में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज इस अंक में बात करने वाले हैं कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक कैसे होते हैं, उनका स्वभाव क्या है, लोगों के प्रति उनका व्यवहार क्या है, वो अंदर से कैसे दिखते हैं, सोचते हैं और बाहर से खुद को कैसे दिखाते हैं। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों का जीवन के संपूर्ण भविष्य फल को आप इस एक वीडियो को देखकर समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, इससे पूर्व के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने देखा मेष लग्न या मेष राशि से लेकर तुला राशि या तुला लग्न वाले जातक कैसे हो? उसी प्रकार से आज बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जीवन में हर एक बातों का पर्दा आज इस कार्यक्रम में खुलेगा और इसके लिए आप सभी जानते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक के स्वभाव को यदि जानना है तो पुराने वीडियो में मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया कि सबसे पहले हमें यह जानना है कि वृश्चिक राशि किस तत्व का है। तो वृश्चिक राशि जल तत्व राशि माने गए। उसके बाद वृश्चिक राशि का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो प्रतीक चिन्ह इनके बिच्छू है। उसके बाद वृश्चिक राशि का स्वामी कौन, तो स्वामी मंगल है। दर्शकों, इसी तीन चीजों पर वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिकाओं के संपूर्ण स्वभाव का आज समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा है ना, कहीं पकवान होटल में आप जाते हो तो नॉनवेज वाले दुकान में चिकन, तंदूरी चिकन, एक्स वाई जेड जो भी उनके अंदर बनता है उसका फर्स्ट क्लास फोटो इमेज लगा के बाहर लगा देता है, तो आप समझ जाते हैं किस प्रकार का खाना मिलेगा, और वेजिटेरियन में भी ऊपर लगा होता है। तो ये प्रतीक चिन्ह जो होते हैं ना, इससे भी आप व्यक्ति के स्वभाव को समझ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे आप होटल के पोस्टर देख के समझ जाते हैं कि इस होटल में क्या खाना मिलेगा, और तत्वों की जो मैंने बात किया कि वृश्चिक राशि, जैसे मैंने बताया कि जल तत्व राशि, तो अक्सर मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे शरीर की संरचना क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व अति अधम शरीरा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख कर गए। आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, इन पंच तत्वों से हमारी शरीर की संरचना हुई है, और यही पांच तत्वों में से कोई भी तत्व यदि किसी में कम हो या ज्यादा हो तो व्यक्ति का स्वभाव में अंतर हो जाता है। तो अब आते हैं मूल विषय पे, वृश्चिक राशि पे। सबसे पहले बात करते हैं प्रतीकों की। वृश्चिक राशि का प्रतीक आप देख रहे हैं बगल में बिच्छू। बिच्छू को आप लोगों ने ध्यान से, वैसे बिच्छू का मनुष्यों से बहुत कम वास्ता पड़ता है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो बिच्छू पे रिसर्च करते हैं उनका आर्टिकल्स या वीडियो जो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है या बताया है कि ये जल्दी अपने आप में मस्त रहते हैं, ये खुद से अपने मार्ग बनाकर चलते हैं, इनको किसी दूसरे की बहुत ज्यादा मदद लेना पसंद नहीं है, ये जल्दी किसी को छेड़ते भी नहीं है, लेकिन अगर इनको छेड़ दिया तो फिर बिच्छू डंक मारने से पीछे भी नहीं हटता है। बदलापुर समझते हैं, बदलापुर, ये पूरा बदला लेने के लिए बिच्छू आतुर हो जाता है। तो ठीक वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक वाले व्यक्तियों का स्वभाव भी ऐसा ही है। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक बिल्कुल बिच्छू के समान, अभी सिर्फ लोगों पे चलेंगे जो इनका प्रतीक चिन्ह है, फिर एलिमेंट पे भी चलेंगे, उसके स्वामी पे भी चलेंगे और इसी से इनके स्वभाव को जानने का प्रयास करेंगे। तो बिच्छू के हिसाब से अगर आप देखें तो वृश्चिक राशि वाले भी जातक बहुत गंभीर होते हैं, बहुत शांत प्रकृति के होंगे, अपने काम से काम मतलब रखेंगे, जीवन में उच्च महत्वाकांक्षी होंगे,
साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे, क्योंकि मंगल भी इनका स्वामी है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले जल्दी अपने अपने आप को ना कुछ अलग, एक अपने आप में अपने मगन में रहते हैं, वो जल्दी किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते। आप उनके काम में अगर हस्तक्षेप करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। और अगर आपने उन्हें छेड़ दिया, आपने उन्हें उनका नुकसान किया, तो जैसे बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता है, वैसे ही वृश्चिक राशि या लगन के जातक या जातिका अपना बदला अवश्य लेते हैं, समय का इंतजार करते हैं। ये जानते हैं कि आज मेरा समय नहीं है, कोई बात नहीं, कल मेरा भी समय आएगा। और जब इनका समय आएगा तो मौका देखकर चौका ये भी मार देंगे। सिंह राशि वालों की तरह ये अपने आप को दिखाने का प्रयास नहीं करते, शीघ्र क्रोधित ये भी होते हैं, लेकिन परिस्थितियों को भांपने में ये बहुत समझदार होते हैं। सामने वाले व्यक्ति की अंदर मनसा क्या है उसको बहुत शीघ्र समझ जाते हैं। क्योंकि इनके स्वामी मंगल होते हैं, मंगल अग्नि तत्व ग्रह, और मंगल ऊर्जा, साहस, पराक्रम, उत्साह का कारक है, ग्रहों का सेनापति माना गया है। तो ऐसे में वृश्चिक लगन और राशि के भी जातक या जातिका, स्त्री या पुरुष, बहुत साहसी होंगे, बहुत पराक्रमी होंगे, बहुत उत्साही होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे। इनके अंदर आप देखना और राशि वालों की अपेक्षाकृत कुछ अधिक ही एनर्जी होगा। ये कोई भी कार्य को करेंगे बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करेंगे। ये जिस काम को भी हाथ में लेंगे उस काम को पूरा करने के लिए पूरी लगन से लग जाएंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वाले या लगन वाले जातक, इनका भी कुछ स्वभाव, आप इनके विरुद्ध अगर बात कहें करेंगे तो ये तुरंत गुस्सा हो जाएंगे, थोड़ा बहुत सिंह राशि की तरह बोल सकते हैं गुस्सा। लेकिन इनको अगर आप, ये मैंने बोला ना कि परिस्थिति के अनुसार ये भाप लेते हैं, अगर ये जान लिए कि नहीं सामने वाले व्यक्ति सत्य बोल रहा है, उसकी गलती नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, इसके साथ मुझे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो सुपात्र व्यक्ति के लिए ये अपने स्वार्थ की बलि देने से भी पीछे नहीं, पीछे हटने से बाज नहीं आते, मतलब अपना स्वार्थ की भी बलि दे देंगे, अपने आप को त्याग भी, इनके अंदर एक त्यागी स्वभाव भी होता है, बहुत ईमानदार होते हैं, परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं। अब दयालु क्यों, भावुक क्यों, क्योंकि जल तत्व राशि है वृश्चिक, तो जल के काफी गुण आएगा, इमोशन जल किससे बना है, इमोशन से, जल तत्व वाले व्यक्ति, आपने मैंने बताया था पहले भी कर्क राशि वाले को बताया था, तो इनके अंदर भी जल तत्व राशि होने की वजह से काफी इमोशनल होंगे। लेकिन आपने एक डायलॉग अक्सर सुना होगा बचपन से कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले जातक या जातिकाओं को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, ये आप भी आज भी बोल सकते हैं। ये बहुत रहस्यमय ही होते हैं, बहुत गुप्त होते हैं, अपनी हर बात सबसे साझा नहीं करेंगे। काल पुरुष की आठवें नंबर की राशि है, इस बात को समझ ले, आठवां भाव क्या है, गुप्त भाव है, अनप्रिडिक्टेबल भाव, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति को आप सोचेंगे कि आप आसानी से समझ जाए, बहुत मुश्किल, ना के बराबर चांस है। ये बहुत गहराई में अध्ययन करते रहते, आप बोल सकते कि ऐसे जातक रिसर्च के फील्ड में बहुत कामयाब होते, ऐसे जातक साइंटिस्ट भी बहुत अच्छा बन सकते, ऐसे जातक पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, साहित्य लेखन, इन सब में दिमाग बहुत अच्छा चलता है, शांत, धीर, गंभीर प्रकृति और बहुत ध्यान के साथ, बगले के समान ध्यान लगाते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक, चूंकि आठवां भाव आप भी जानते हैं गुप्त स्थान, ये अपने पर्सनल रिलेशन को भी सबके सामने उजागर करना पसंद नहीं करेंगे। अगर किसी के साथ अगर ये फिजिकल भी होना चाहेंगे तो वो सबके सामने, जैसे आजकल के जमाने में देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में दिल्ली मेट्रो में किस प्रकार के चित्र आ रहे हैं, बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस की तरह। वृश्चिक राशि वाले ऐसा नहीं कि, मतलब आज के जमाने के हिसाब से वो अपने आप को ढालते नहीं, ढालते हैं, लेकिन ये कुछ चीजों को पर्दा में रखना ही पसंद करते हैं।
बहुत ही दृढ़ निश्चयी होंगे। राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जातक सफलता के शिखर को प्राप्त करते हैं। आपको एक बात और बता दे, आप लोगों को शायद नहीं पता हो, भारत के यशस्वी ओजस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी वृश्चिक लगन के ही हैं, और आप देख सकते हैं उनका स्वभाव क्या है और विरोधियों से किस प्रकार से उनका व्यवहार क्या है, बदला क्या है कुछ तो। हालांकि बाकी ग्रहों का भी असर होता है, कुंडली का अलग विशेष असर होता है हर व्यक्ति में, लेकिन वृश्चिक लगन का भी स्वभाव उनके अंदर आप देख पाएंगे। अच्छा, वृश्चिक लगन के जातक में एक और है कि इनका पर्सनल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। अब उदाहरण देना पसंद नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि या तो सामंजस्य में थोड़ी सी ट्विनिंग में, या फिर थोड़ा दूर रह सकते हैं। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन के जातक सामान्यतः केमिस्ट में, वकालत में, रिसर्च के फील्ड में, साइंटिस्ट के फील्ड में, फिर या तो अंतरिक्ष यात्री, पुरातत्ववेत्ता, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, टीचिंग लाइन में, या इसके अलावा फिर आप बोल सकते हैं इंजीनियरिंग लाइन में भी ये बहुत सक्सेस होते हैं। इसके अलावा रिसर्चर, पीएचडी वगैरह रिसर्च किसी चीज में करना, इन सब क्षेत्रों में, वकालत के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में, पुलिस में, प्रशासन में, सेना में, इन सब क्षेत्रों में बहुत तरक्की करते हैं। एक और बात बता दें, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में दुनिया में जितने भी लोग होते हैं उसमें सबसे अधिक, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, वो क्यों है उसका भी कारण बताएंगे, सबसे अधिक सरकारी नौकरी लेने वाले वृश्चिक लगन के जातक होते हैं। क्योंकि वृश्चिक लगन से अगर आप दसवें भाव में देखेंगे, जो कर्म का भाव है, तो वहां सिंह राशि आता है, पांच नंबर लिखा होता है, उसके स्वामी कौन होते हैं, सूर्य। तो अगर सूर्य की शुभता अच्छी हो जाए तो ऐसे जातक आम लगन या राशि वालों से, वृश्चिक लगन राशि वाले जातक सरकारी नौकरी में बहुत अधिक, सबसे अधिक अगर कहीं पाए जाते हैं अन्य राशियों के मुकाबले, तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले जातकों को सरकारी नौकरी के चांसेस बहुत प्रबल होते हैं। ये जातक अपने मेहनत, इनको भाई बहनों का भी बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलता है, ये अपने सामर्थ्य के बल पे अपना मार्ग खुद बनाते हैं, खुद चुनते हैं, किसी की मदद लेना इनको बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं होता है, अपने दम पे ही आगे बढ़ना जानते हैं। वृश्चिक लगन के जातक धर्मात्मा टाइप के भी होते हैं, स्वभाव से धर्म कर्म के प्रति उनकी आस्था भी बहुत होती है, ये अपना नाम इतिहास में कुछ अमर भी करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ नया करें, कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया वाला याद करे। टीम लीडर की एक भूमिका होती है इनके अंदर, मंगल क्या है, सेना नायक, तो मंगल से स्वभाव लेते हैं, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, तभी तो पॉलिटिक्स में बहुत आगे तक जाते हैं, सरकारी नौकरी में भी उच्च पदों पर पहुंच जाते हैं। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए यदि सामान्यतः देखें तो इनके मित्र की जो राशि है, ज्यादातर वृषभ राशि वाले इनके मित्र, वृषभ राशि वालों से इनकी मित्रता बहुत अच्छी हो सकती है, या कर्क राशि, या फिर कन्या राशि, या फिर स्वयं वृश्चिक राशि, या मकर राशि, या फिर मीन राशि, इन सब राशि वालों से इनकी मित्रता ठीक ठाक होती है। इसके अलावा वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए 24, 28, 36, 38, 44 साल में भाग्य विशेष इनको साथ देता है, ये भाग्योदय वर्ष आप इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा वृश्चिक लगन या राशि वालों के लिए जो शुभ रंग होता है वो रेड अर्थात कि लाल रंग, या फिर संतरा रंग जिसे ऑरेंज बोलते हैं, या फिर पीला येलो कलर, वो भी इनके लिए शुभ होता है, या फिर हल्का ब्लू, आप पिंक कलर भी बोल सकते हैं, हल्का नीला कलर जो होता है वो भी इनके लिए बड़ा शुभ होता है। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के जातकों का वैसे तो शुभ रत्न जो माना गया है वो लाल मूंगा माना गया है, लेकिन फिर भी अपने जन्म कुंडली का किसी अच्छे ज्योतिषविद
या विद्वान पंडित जी से आप अगर कुंडली का विश्लेषण करा के रत्न पहनते हैं तो वो ज्यादा शूट करेगा। सबसे बड़ी बात है कि वृश्चिक लग्न या राशि वाले जातक बहुत रहस्यमयी होते हैं। सबसे मूल स्वभाव इनका ये, क्योंकि कुंडली का जो आठवां भाव होता है आप जानते हैं वो गुप्त भाव होता है। आयु का भी भाव है, मृत्यु का भी भाव कई बार वहां से विचार किया जाता है, यहां तक कि गुप्त संबंध के विचार वहीं से किए जाते हैं। जन जैसे अष्टम से ही आप समझे जब संगम होगा तभी किसी का सृष्टि में उत्पन्न भी होगा, तो ये कुछ नया देना ही इनका परम लक्ष्य होता है। वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा तो इसलिए अब मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, अगले अंक में। आपको वीडियो कैसा लगा, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पेज पे हो या यूट्यूब पे, आप अपना कमेंट्स जरूर सुझाव लिखें कमेंट्स में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।